की जिंदगियों में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग उपवास के दिन, मैं बता रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में आशीष आएगी आज, जो लोग उपवास के साथ मेरे साथ प्रेयर में शामिल हुए हैं। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल करेगा आज, और परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के जीवन में होगा। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा जी लाइव में जुड़े हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में, इनके परिवार में आज से ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय विश्वास से आज पवित्र आत्मा जी उपवास के बारे में सुने और मेरे पिता इस फास्टिंग प्रेयर में हमारे साथ शामिल हों, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाएं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से रिलीज होने पाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में छुटकारे हों यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में पास्टर धर्मेंद्र हैं और वो अभी आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा आपके जीवन में। हाँ हाँ हाँ, एक उपवास प्रार्थना के लिए हम दुआ में जाएंगे इनके साथ। शाबाश, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हाँ, दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे खुदा में, मेरे अब्बा, मेरे राजा, तो मेरे खुदावन, जितने लोग पवित्र आत्मा जी आज पिता मीटिंग को लाइव देख रहे हैं मेरे खुदावन, आज इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी अद्भुत काम हो मेरे खुदावन। और आज प्रभु सच में जितने लोगों ने उपवास किया परमेश्वर, सच में आज से प्रभु इनके जीवन में अद्भुत मिराकल हो मेरे खुदावन। और प्रभु सच में मेरे खुदा, जब तेरा दास परमेश्वर पिता हमारे आत्मिक पिता प्रभु आज वचन का प्रचार करे परमेश्वर, प्रभु सच में आज हर एक के बंधन टूट जाए मेरे खुदावन। और प्रभु सच में तेरे दास परमेश्वर जैसे उपवास में तेरे सामने परमेश्वर गिड़गिड़ाते रोते प्रभु तेरे लोगों के लिए, प्रभु सच में बीमारों के लिए दुआएं करते परमेश्वर, सच में आज तो अपना हाथ बढ़ा और हर एक बीमार को प्रभु जो देख रहे लाइफ को, प्रभु जो भी लोग आज बीमार है परमेश्वर किसी भी दुख में, आज से वो अपनी बीमारियों से अपने दुखों से आजाद हो जाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सच में आगे के समय को पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु सच में पिता हम तेरे दास को परमेश्वर सच में पिता तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, तेरा दास आज जब बोले प्रभु तेरे अद्भुत काम हो मेरे खुदावन। पिता सारी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष देगा और मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और इसी समय हम सब प्रभु के कलाम को देखेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। और हमारे बीच में पास्टर धर्मेंद्र इस समय पढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग जो भी कोई परेशानी में है, कोई दुखों में है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम्स में है, आज पवित्र आत्मा इसको, और इसी समय मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों की जिंदगियों में आज आशीष आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा उनके जीवनों में छुटकारे देगा और आज की प्रार्थनाएं आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएंगी। लेकिन पहले आज उपवास में जो जिन लोगों ने 40 दिन के उपवास किए हैं, परमेश्वर उनके जिंदगियों में अद्भुत छुटकारे अद्भुत चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल हमें बताती है उपवास के बारे में कि हम सुनते करें कि अगर आज आप किसी भी बंधन में, किसी भी परेशानी में, किसी भी टेम्पटेशन में, तो आज आप हर एक बंधन से, हर एक परेशानी से, हर एक कर्जे से, हर समस्या से आज आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर कि मैं आज आजाद हो जाऊंगा और तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। और आप देखोगे आने वाले समय में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े चमत्कार को करेगा और आशीष को देगा। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। सब पास्टर मेरे साथ पास्टर टीम है और इसी समय हम हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम सब मिलकर परमेश्वर आज ऑनलाइन चर्च के लिए दुआ करते हैं। और इसी समय पवित्र आत्मा आज आमीन बोलने वाले और हालेलुया बोलने वाले के ऊपर से इसी समय हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शराब जाते रहे। और पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा इनकी जिंदगियों में होने पाए, बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से
आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो, बंधन टूटे इसी समय, हर एक शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाओं में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी अपना मन लगाया परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु जैसे यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में करने के लिए एकांत में चला गया परमेश्वर, और इन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जो उपवास प्रार्थनाएं की है मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आपसे मिराकल होने पाए, बड़े छुटकारे होने पाए, बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इन लोगों के ऊपर आ जाए यीशु मसीह नाम से। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज हो, रिलीज हो। और इसी समय पवित्र आत्मा इनको छू ले आज यीशु मसीह नाम से। आमीन। हम फिर से मैं कह रहा हूं कि आपने जो गीत गा रहे हैं आज मेरे साथ, मैं फिर से बताता हूँ कि उपवास प्रार्थना में जब हम मिलकर गीत गाते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं ये प्रेयर आपके लिए जब तक 40 डेज ये पूरे नहीं हो रहे 17 अप्रैल तक मैं आपके लिए 1 आवर 9 से 10 प्रार्थना करूंगा, और जो लोग मेरे साथ शामिल है पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, और आपके बंधन टूटेंगे, और सारे शराब इसी समय खत्म होंगे, और आपकी आशीषें आज खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा और इसी समय बंधन टूटेंगे। अपने हाथों को उठाओ और फिर से मेरे साथ एक गीत गाओ, और देखो इस गीत में, इस मस्से में, मैं कह रहा हूँ कि इस गीत में गाते गाते मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने मुंह से गाना, आपको गाना आए ना आए, लेकिन आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे और श्राप खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर मेरे साथ गाएंगे सब, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, ताड़ी के साथ अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा, सब गाएं सब गाएं, आप पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, हालेलुया पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, हालेलुया जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय प्रभु का आत्मा तुमसे बातें करता है, और पवित्र आत्मा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु ज्योत तेरी जिंदगी में परमेश्वर उपवास के दिनों में बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ बोल फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया पवित्र आत्मा, आ हमारे बीच में, हालेलुया पवित्र आत्मा, आ हमारे बीच में, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ आत्मा में, और इसी समय होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई मुझे बहन महाराष्ट्र से देख रही है, और इसी समय तेरे सैलरी रुकी हुई है, तेरे सारे काम रुके हुए हैं, और तेरी प्रमोशन रुकी हुई है, तुझे गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करता हूँ, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा
कर दे। मैं देख रहा हूँ एक बहन बहुत परेशान है और जिसमें वो मुझे यूपी से देख रही है, आपके पास बड़ा टाइम हो गया, 4 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन आत्मा मुझे बोलता है तेरा नाम ऐसे और तू मुझे सुन रही है और होली स्पिरिट तेरी जिंदगियों में आज चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तो इस बहन को मुझे दिखा रहा है और इसी समय वो सरिता सुनीता तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू छू रहे और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू आज इन लोगों की जिंदगियों में काम कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई हरियाणा से मुझे देख रहा है और इसी समय वो बहन बड़े टाइम से उसके परिवार में उसके हस्बैंड भी बड़े टाइम से लोन लेना चाहते हैं, रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे हैं लेकिन आप मकान लेना चाहते हैं, लेकिन याद रखना कि उपवास में मेरे पिता परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और इसी समय जब आप उपवास करेंगे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आज बंधनों को तोड़ेगा। मैं देख रहा हूं जिन लोगों के नाम जी से आर से एम से एन से परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय मैं देख रहा हूं कि आज उपवास जैसे ही 40 दिन के आपके खत्म होंगे मैं कह रहा हूं एक नए मकान की आशीष आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आज आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा और इसी समय आप एक बड़ी आशीष को देखोगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे। बोलो आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम एन से जी से और वाई और आर से एम से हैं, याद रखना यह भविष्यवाणी आपके लिए अनुपवास के दिनों में परमेश्वर का आत्मा नई कार के साथ आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं निखिल तेरे कामों में जो रुकावटें आज से तू आजाद होने वाला है, आज से तू आजाद होने वाला है, ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में आज से ये आशीषें खुलेंगी अब से यीशु मसीह के नाम में और वो बंधन टूटेंगे और सारे श्राप खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू उन्हें छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, छू ले और आजाद कर। और अपने हाथों को उठाओ जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आज ब्लेसिंग को दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के उपवास प्रार्थना के अंदर जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी तेरे सामने विनतियां की हैं परमेश्वर और जो लोग फास्टिंग प्रेयर में शामिल हैं इनकी जिंदगियों में आज पवित्र आत्मा जी जब ये तेरा कलाम सुने इनकी जिंदगियों में आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से बड़े छुटकारे रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम, वो छुटकारे रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपके सामने वचन पढ़ रहा हूं और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो लोग चाहते हैं क्योंकि 1 घंटा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए मैं जल्दी से वचन को समझाऊं आपको और ताकि आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो। बाइबल बोलती है उसके बाद हम पूरी टीम आपके लिए पास्टर लोग हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आज की प्रार्थना से मैं कह रहा हूँ पंख आएंगे, कॉइन आएंगे और 17 दिन के अंदर मैं कह रहा हूँ 17 डेज के अंदर आपके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में और आप छुटकारे को देखेंगे। 17 अप्रैल आने से पहले आप अपनी जिंदगियों में बड़े चमत्कार को देखेंगे। हम बाइबल में देखते मत्ती के 6:17-18 को हम पढ़ेंगे। हम बाइबल में देखेंगे मत्ती 6:17-18 परमेश्वर अपने लोगों को उपवास करने के लिए बोलता है। याद रखना कि अगर आपका उपवास सही रीति से तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग उपवास नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर इसलिए उनकी जिंदगियों में आज भी छुटकारे नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूं कि मैंने जब परमेश्वर से अभिषेक को पाया तो मैंने उपवास किए, मैंने बहुत उपवास प्रार्थनाएं की और जिसका फल परमेश्वर ने मुझे दिया आज वो मेरी सुनता है और बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में छुटकारे होते हैं और आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है लेकिन बहुत सारे लोग उपवास करें सिर्फ खाना खाते हैं और उसी समय टाइम पास करते हैं, लेकिन नहीं, बाइबल बोलती है उपवास के अंदर कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, आपको कह रहा है कि अपनी आत्मा को अपनी स्पिरिट को तैयार करना है, आपको भूखा अपने शरीर को दुख नहीं देना, आपको परमेश्वर की महिमा के लिए आपको क्या करना है कह रहा है तैयार रहना है, आत्मा को तैयार करना है। उपवास के दिन कर आप ज़्यादा बाइबल पढ़ो, ज़्यादा प्रार्थना करो और ये 1 घंटा प्रेयर मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए उपवास के दिनों में 40 दिन के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ, इस प्रेयर के अंदर आप एक बड़े मिराइकल को अपनी लाइफ में होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने क्या कहा यीशु मसीह ने, हाँ 6:17 में देखें क्या लिखा, परंतु जब तू उपवास करे, लिखा परंतु जब तू उपवास करे, हाँ हाँ, तो अपने सिर पर तेल मल, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, और मुंह धो ले। इसका मतलब कि परमेश्वर भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा था कि आपको कह रहे कि वो पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है। कह रहे कि परमेश्वर उन लोगों को चाहता है, कह रहे कि ये जो प्रार्थना का ऑयल है, ये प्रार्थना का वाटर है, कह रहे कि इससे आप मुंह धोएं।
कह रहे हैं कि जब आप मुंह धोते हैं और उसी समय उसके बाद ऑयल लगाते हैं तो परमेश्वर की नज़र उन लोगों के ऊपर जाती है कि ये मेरा बेटा कह रहा है कि तैयार होकर आया आज मेरे लिए, और वो परमेश्वर का ऑयल कह रहा है जिसके ऊपर आज वो देखेगा उसके बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप नहाए होंगे कल भी, तेल भी लगाया होगा कल भी, लेकिन इस उपवास में कह रहे हैं कि जो आप प्रार्थना वाला ऑयल और मुँह कह रहे हैं कि पानी से मुँह धो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि और ये परमेश्वर ने चेलों को बताया था, कह रहा है कि तुम उस समय लोगों को बताया इसराइलियों को उस समय जो लोग उपवास करते थे लेकिन प्रार्थना ही नहीं करते थे और अपने टाइम पास करते थे, परमेश्वर ने उनको डांट लगाई और कहा जिस प्रकार का तुम उपवास करते हो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। कह रहा उपवास के दिन कह रहा तुम दूसरों से काम कराते हो, कह रहा कि खुद कह रहा एक पानी का गिलास लेकर नहीं पी सकते, तो परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कह रहा कि जब आप कह रहा कि उपवास करते हो तो उसमें उपवास में आपके ज़्यादातर कह रहा आपके अंदर नम्रता हो, आपके अंदर दीनता हो, आप कह रहे हैं कि आज्ञाकारी हो और अपने पापों को छिपा न रखें, कह रहा उस दिन परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें। बाइबल में लिखा कह रहा है जो अपने पापों को कह रहा है कि मान लेता है और छोड़ भी देता है परमेश्वर उसके कामों को सफल करता है। अगर आज आपकी ज़िंदगियों में कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये दिन जो उपवास के दिन में 40 दिन आपके लिए दुआएँ कर रहा हूँ 17 तारीख तक, याद रखना कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में, आप बड़े छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये उपवास की प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के लिए रास्ते खोलता है, बड़े मार्ग खोलता है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मकान नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये उपवास प्रार्थना के बाद आपको देने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चा कह रहा है जब भूखा हो जाता है तो उसी समय 3 दिन अगर खाना नहीं खाता तो उसकी मम्मी उसके डैडी से रिक्वेस्ट करती है, बोलती है कि देखो हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा और प्लीज़ इसके लिए जो ये मांग रहा है इसको दे दो, और उसी समय उसके बाप का हृदय खुल जाता है। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर उपवास करने की शक्ति है तो परमेश्वर खोलने वाला है आपके लिए, अपना दिल खोलने वाला है। और जो लोग उपवास सही रीति से कर रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स बताए, अपना मुंह धो ले और तेल मल। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर जानता था बहुत सारे लोग जो उपवासी तो हैं लेकिन वो सही ढंग से उपवास नहीं कर रहे थे, वो लोग कभी उस उपवास में क्रोध करते हैं, उपवास में कह रहा है कि झूठ बोलते, उपवास में गाली देते, उपवास के अंदर भी कई बार कह रहे कि वो छट्ठे करते और उनको पता ही नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग कह दूसरों से नौकरों से काम कराते हैं। इस दिन कह रहे कि उपवास के दिनों में परमेश्वर के नज़दीक जाओ और उन लोगों के जीवन में आशीषें ठहरेंगी जो लोग उपवास के दिनों में पवित्र आत्मा के साथ कह रहे कि संगति करते हैं। उपवास का मतलब है अपनी आत्मा को तैयार करना, कि बाइबल बोलती है कह रहे कि जिन लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ा और उनकी डिमांड्स को पूरा किया। आपको डिमांड्स पूरी करानी है कि नहीं? जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी डिमांड्स पूरी होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जो पास्टर खड़े हैं, जो विश्वासी मुझे देख रहे हैं, जो पास्टर मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी अनोइंटिंग आज बढ़ेगी। कह रहा है कि जब आप उपवास प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। दानियल की ज़िंदगी में कह रहा है कि उपवास कह रहा है उस समय में जब उसने उपवास किए, जब उसने अपने जीवन में 21 दिन के उपवास किए, तो उसी समय बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इन उपवासों में परमेश्वर आएगा, लेकिन उपवास में परमेश्वर कभी साथ नहीं होता, लेकिन हाँ नज़र जरूर रखता है, क्योंकि वो देखता है जब इसका उपवास पूरा हो जाएगा तब मैं इसकी ज़िंदगी में चमत्कार करूंगा। हो सकता है आप भी उपवास कर रहे हो और आपका काम ना बना, और आप कह रहे होंगे कि परमेश्वर मैंने तो उपवास भी रखा और मेरा काम नहीं बना, लेकिन अगर आपने बोल कर रखे हैं 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 7 दिन, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी उपवास कर सकते हैं इन दिनों में, लेकिन ये उपवास के दिन चल रहे हैं, जब आप उपवास करते हैं इन दिनों में तो परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है और आशीष देता है और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बड़े से बड़े काम का रिजल्ट लेकर आएगा और आप आशीष को देखेंगे और गुड न्यूज़ आएगी आपकी लाइफ में कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किया और मुझे आशीष दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं राइट टाइम पर 9 बजे और से 10 बजे तक आपके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे देगा। दानियल ने अपनी ज़िंदगी में आशीष पाया, लेकिन एक जगह पर जब वो देख रहा था कि 21 दिन पूरे होने के बाद करे के वहां पर एक स्वर्गदूत उसके पास आया और जब उसने उपवास पूरे कर लिए तब 21 दिन में करे के परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आज आप उपवास कर रहे हैं 3 दिन का, 11 दिन का, 40 दिन का मेरे साथ, मैं कह रहा हूं वो उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर आपने अब तक नहीं रखे तो आज से रखना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपके उपवास को, आपके मन को, आपके समर्पण को देखना चाहता है कि आप किस मनसा से उपवास कर रहे हैं, किस हृदय से आप उपवास कर रहे हैं। कह रहे कि आज अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात यीशु मसीह नासरे के नाम, और इसमें मेरे प्रचार करते करते बोल रहा हूं, कोई मुझे सिमरन जीत, कोई मुझे देख रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर आपका पास करने वाला यीशु मसीह नासरे के नाम, आपको गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम। देख रहा हूं परम जी तुम घर बनाओगे, उपवास करो और परमेश्वर आपको अपने घर में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं रोशनी तुझे अपने घर में लेकर जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आत्मा मुझे बोल रहा है, और आपकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे
होगी यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का आत्मा, ये भविष्यवाणी आपके लिए है, कह रहा है कि मैं जिन लोगों के नाम बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, जिनके नाम RSMNG मैं कह रहा हूँ कि वाई से और के से, वो कह रहा है इस उपवास मीटिंग के बाद, मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने के बाद कह रहा है कि आप अपनी जिंदगियों में आशीषों को खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम। जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म होगा आप अपने मकान के अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, कह रहा है उपवास करना, कह रहा है कि जरूरी, हम एक पॉइंट्स देखते स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं किया और परमेश्वर ने उनके कामों को खोला और ब्लेसिंग दिया यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना करने के बाद आज मिराकल मनी होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मिराकल मनी होना स्टार्ट होगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपको मेरे साथ बोलना है, आपको मेरे साथ बोलना है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज आपको मेरे साथ बोलना है, जो स्क्रीन पर दिखा लाली और ये पॉइंट्स अगर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करे धीरे धीरे, आप मेरे साथ बोलेंगे और इस समय पहला कह रहे कि ए प्रभु आप मेरे साथ बोलो, और जो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर रहा है मैं कह रहा हूँ बंधन टूटेंगे और शराब खत्म होंगे। ये 17 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और आपने मेरे साथ बोलने और इस समय आप आजाद होंगे, आज बंधन टूटेंगे, शराब जाएंगे, मैं कह रहा हूं मिराकल पर मिराकल होंगे और इस समय 100% आशीषें स्वर्ग से खुलेंगी यीशु मसीह के नाम। हर एक आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगले 15 मिनट में आप बड़ी आशीष को खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने उपवास किया, यीशु मसीह चाहता है, कह रहा बाइबल में पुराने नियम में भी कहा गया, कह रहा है कि जिस प्रकार का तुम उपवास करते हो मैं खुश नहीं होता, लेकिन अगर आज आपका उपवास कह रहा है कि जो कह रहे कि आज उपवास नम्रता के साथ दीनता के साथ है, तो परमेश्वर आज आपके उपवास को में प्रसन्न होकर आपको आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने भी इसलिए कहा, कह रहा कि वहाँ पर सीक्रेट दे रहा था, कह रहा मुँह धो ले, इसका मतलब कह रहा तेल मल ले, कह रहा कि अपने आप ने तेल एक विश्वास का प्रतीक है, अपने विश्वास को जगा ले, आज कह रहा मैं उपवास करूंगा और परमेश्वर का तेल मेरे चेहरे पर नहीं मेरे सिर पर भी नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज उसी समय कह रहा है कि मुंह धो ले, कह रहा है इसका मतलब तेरी स्पिरिचुअलाइज खुली हो, कह रहा है मुंह धो ले, संसार के लोग मुंह धोते हैं लेकिन तेरी स्पिरिचुअलाइज खुली हो कि तू पाप कर रहा है, लेकिन अगर तू आज माफी मांग लेगा, आज उपवास के दिनों में कहेगा परमेश्वर के मुझे माफ कर और तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपका उपवास का फैसला परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार को देगा। आपको मेरे साथ बोलने, आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को भी, और उपवास जब आप करते हैं पूरे दिन ये 17 पॉइंट आप बोल बोल कर दुआ करना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि हे प्रभु, सब बोले हे प्रभु, मेरी चीजें आज आकर्षित करेंगी, तुम नहीं बोलोगे, और इसी समय बोलो कि हे प्रभु मेरी चीजें आज आकर्षित करेंगी, दिव्या शक्ति को आकर्षित करेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि हे प्रभु मेरी चीजें आज आकर्षित करेंगी, करें कि दिव्या शक्ति को मेरी चीजें, करें घोषणा करना है, सब बोलो मेरे साथ किसी समय के मेरी चीजें, सुन रहे हैं मेरी बात, और इसी समय सबको बोलना है मेरे साथ, बोलो कि प्रभु मेरी चीजें आज वो आकर्षित करेंगी, दिव्या शक्ति को आकर्षित करेंगी। मैं फिर कह रहा हूँ क्यों करेंगी वो, क्योंकि आप कह रहे हो कि परमेश्वर के जिन चीजों पर जो चीज मुझे चाहिए कि वो कह रहे कि आज दिव्या शक्ति, कह रहे कौन वो एंजल, कह रहा उनको आकर्षित करेंगी, क्योंकि स्वर्गदूतों को आपने बता दिया है, कहें मैंने कह रहा उपवास किया और मुझे इस चीज के लिए उपवास किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए उपवास किया, मैंने फॉरेन जाने के लिए उपवास किया, मैंने पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए उपवास किया, मैंने अन्य भाषा के लिए उपवास किया। अगर आप मुंह से निकाल रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं कि वो आकर्षित करेंगी दिव्य शक्ति को और वो आपके पास आएंगे और मजबूर होंगे एंजल आज आमीन बोलने वालों के लिए मजबूर होंगे यीशु मसीह के नाम में, और इसमें पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। फिर से कहो हे प्रभु मेरी चीजें आज आकर्षित करेंगी दिव्य शक्ति को, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप जो मांग रहे हैं आज एंजल मजबूर होंगे यीशु मसीह के नाम में, और इसमें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मेरे आशीषें के एंजल मुझे ढूंढें, बोलो मेरी आशीषों के एंजल मुझे ढूंढें यीशु मसीह के नाम में, बोलो मेरी एंजल के आशीषें मुझे ढूंढें यीशु मसीह के नाम में, बोलो मेरी एंजल, सारे बोलो मेरी एंजल आज मेरे प्रभु के एंजल मेरी आशीषों को ढूंढें यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं उपवास में आपको बोलना, मेरे साथ घोषणा करनी और आपके काम खुलेंगे। फिर तीसरा बोलो कि मेरी आशीषों के एंजल तब तक ना जाएं जब तक कि वो मुझे ब्लेस ना करें,
जब तक कि वो मुझे ब्लेस बोलो मेरे आशीषों के एंजल आज ना जाएं जब तक मुझे ब्लेस ना करें। मैं इसी समय जैसे याकूब ने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और उसी समय उस एंजल ने क्या किया, उसको आशीष देकर गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, इस उपवास के अंदर मेरे साथ उपवास करो, उपवास में अंगीकार करो, बोलो कि परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरे एंजल करें कि जो मेरे मुझे ढूंढने के लिए आए थे उपवास के अंदर, वो मुझे ब्लेस करें, और मैं घोषणा करता हूं वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। परमेश्वर ब्लेस कर मेरे ऑनलाइन चर्च को, ब्लेस कर मेरे लोगों को, ब्लेस कर, ब्लेस करो एंजल, ब्लेस करो इन्हें, ब्लेस करो इनके काम को, ब्लेस करो इनकी और इनकी भविष्यवाणी को पूरा करो यीशु मसीह के नाम, इनकी डिमांड को पूरा करो यीशु मसीह के नाम, हर आशीष इनकी खुले यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा इनकी आशीषें खुलती चली जाए यीशु मसीह के नाम। नंबर चार आपको बोलना है कि जो भी शैतानी रुकावट मेरे खिलाफ है वो मेरी आशीषों के एंजल आग के द्वारा उन्हें खत्म करें यीशु मसीह के नाम में। फिर से बोलो कि जो शैतानी शक्तियां मेरी आशीषों को रोक रही हैं, और आज कह रहे हैं कि इस समय कह रहे हैं कि वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम में, और वो शैतानी शक्तियों की सारी काम इसी समय फ्लॉप हो जाएं जो रुकावटें डाल रही हैं आपके जीवन में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं ऑनलाइन चर्च के ऊपर से इसी समय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं इनके घर से, परिवार से, बिजनेस से, इनके ऊपर से, इनके बच्चों से, इनकी बॉडी से, इनके शरीर के हर हिस्से से इसी समय मैं उस शराब को जो शैतान रुकावटें डाल रहा है इनके कामों में, मैं उसको जला देता हूं फायर यीशु मसीह के नाम में। चल जाए यीशु मसीह के नाम, चल जाए यीशु मसीह के नाम में, चल जाए यीशु मसीह के नाम, चल जाए यीशु मसीह के नाम। आज से आपके काम खुलने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में, काम खुलने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में, काम खुलने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम। होली स्पिरिट मदद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पांचवें पॉइंट आप लिखो कि जो भी मेरे जीवन में मरा हुआ एरिया है, जो मेरी आशीषें मरी हुई हैं, वो जी उठे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो लिखो आप फिर से और मेरे साथ बोलो कि जो भी मेरे जीवन में मेरी आशीषें मरी हुई हैं, जो भी मेरा हिस्सा मरा हुआ है, जो भी मेरी आशीषें मरी हुई हैं, वो फिर से जी उठे। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन चर्च के लोग मुझे देख रहे हैं उपवास में, मेरे परमेश्वर जो आशीषें इनकी मरी हुई हैं और जो ये मुंह से अंगीकार कर रहे हैं आज, पवित्र आत्मा इनकी आशीषें फिर से जी उठे यीशु के नाम में। उठ जाओ, उठ जाओ, आदेश करता हूं इसी समय जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनकी आशीषें उठे यीशु मसीह के नाम, जो घर बनाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनकी आशीषें उठे, जो हीलिंग चाहते हैं वो बिस्तर से उठे यीशु मसीह के नाम में। पैरालाइज का पेशेंट उठ जाए इसी समय, पैरालाइज का पेशेंट उठ जाए, कोमा में से बाहर आए, गिनतियां जाएं, रसोलियां जाएं, पैरालाइज वाले का हाथ उठे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सर्वाइकल जाएं, पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, कैंसर जाएं, ओ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रसोलियां गायब हो जाएं, गिनतियां गायब हो जाएं, शराब जाएं यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएं, बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक शरीर में से वो हिस्सा जो सच में शैतान ने पकड़ रखा है इसी समय आपका आजाद कराता हूं यीशु मसीह के नाम में, आजाद कराता हूं इस फास्टिंग प्रेयर में, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि फिर से छठे पॉइंट को आप बोलेंगे मेरे साथ कि प्रभु यीशु मसीह में जी उठने की ताकत मेरे हाथों के कामों पर आए यीशु मसीह के नाम में। आप बोलो, आपको बोलना है कि परमेश्वर के उस समय जिस तरह पतरस और पौलुस ने कह रहा पैरालाइज के पेशेंट को चंगा किया तो उसने कहा कह रहा कि इसके हाथों पर यीशु मसीह की ताकत आ जाए। याद रखना कह रहा कि अगर आप इस अंगीकार कर रहे हैं उपवास के दिनों में, मैं कह रहा हूं ताकत आएगी, आपका जो काम नहीं बन रहा आज ताकत आएगी, आपके बैंक में पैसे आने की ताकत आएगी, मैं कह रहा हूं आपके हार्ट में ताकत आएगी, ऑपरेशन कैंसिल होगा, आपके अंदर कह रहा कि एक नई जागरूकता जागेगी, कमाने की स्टार्ट करेंगे। जो लोग डिप्रेशन में, जो लोगों को लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा, बोलो आज मेरे पीछे कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ताकत कह रहा मेरे हाथों पर नजर आए यीशु मसीह के नाम में, मेरे कामों में नजर आए, मेरी आशीषों में नजर आए, और इसी समय मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सातवां पॉइंट बोले हैं अब्राहम, इसहाक और जैकब के पिता, आप प्रदर्शित करो अपनी ताकत से और मुझे ब्लेस करो। इसी समय फिर से कहो कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के अपनी ताकत से, कि जो अब्राहम और इसहाक याकूब के परमेश्वर की ताकत है वो आज मेरे कामों पर नजर आए, मेरे शरीर पर नजर आए, मेरी आत्मा पर नजर आए, मेरे उपवास के दिनों पर नजर आए, लोगों पर नजर आए, मेरे ऑनलाइन चर्च पर नजर आए, मेरे चर्च पर नजर आए, मेरे लोगों पर, विश्वासियों पर नजर आए यीशु मसीह के नाम। अब्राहम, इसहाक के परमेश्वर तेरी ताकत इन लोगों के ऊपर नजर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम, इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं। इसी समय जिसके कुल्ले का ऑपरेशन है कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं किसी के कुल्ले में दर्द है, इसी समय कुल्ले का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम। इसी समय सारे शराब बंधन टूटने पाए, जाओ जाओ जाओ
जाओ, हर शराब टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ, फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करा, आठ हुए करें, जो पीढ़ियों के, आपको मेरे पीछे बोलना है, बोलो जो पीढ़ियों का शराब है करें, जो गरीबी का शराब है, कर्जे का शराब है करें, मैं यीशु मसीह के खून से कैंसिल करता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में। कैंसिल करना स्टार्ट करो गरीबी के शराब को, मैं इसी समय ऑनलाइन चर्च के ऊपर से कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर कर्जे के शराब को, हर बीमारी के शराब को, ऑपरेशन के शराब को यीशु के खून से कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम। जाओ जाओ इसी समय, जाओ 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 इसी समय, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आठवां पॉइंट आप मेरे साथ बोलेंगे, अंगीकार करो, और उसमें लिखा करा जो पीढ़ियों के शराब हैं, और इसी समय नौवां पॉइंट बोलेंगे, मेरे शत्रुओं का गुस्सा जो भी मेरी ओर आ रहा है और वो अपमानित हो यीशु मसीह के नाम में, शैतान शर्मिंदा होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय के जो भी शैतानी ताकतें गुस्सा किए हुए हैं मेरे खिलाफ, कह रहा कि वो इसी समय अपमानित हो यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे खिलाफ आ रही हैं, जो भी शत्रु आपके खिलाफ आ रहे हैं, जो भी कर्जे का शत्रु, बीमारी का शत्रु, कह रहा कि जो भी कोई इस समय आर्थिक तंगी का शत्रु, जो भी कह रहा कि असफलता का शत्रु, लड़ाई झगड़े का शत्रु, कोर्ट का, तलाक का शत्रु, आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराने वाला शत्रु अगर आपके बीच में आ रहा है इसी समय, मैं उसको कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, भाग यीशु मसीह के नाम में। जाओ इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से शत्रु अपमानित हो, शर्मिंदा हो कि मैं मसीह लोगों के पास गया था, इसी समय परमेश्वर शर्मिंदा हो, वो इसी समय आग लगे यीशु मसीह के नाम में, और वो जल जाए, जल जाए, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जला देता हूं उसको, जला देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर आज से तेरे लोगों का सिर ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय फिर हम दसवां पॉइंट मेरे साथ बोलो शाबाश, कि हर एक ताकत जो स्वर्ग, धरती और धरती के नीचे है, सब बोलो, हर एक ताकत जो स्वर्ग पर और धरती पर है और धरती के नीचे है, जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, मेरे भाग्य के खिलाफ, मेरे फ्यूचर के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे बिजनेस के खिलाफ, मेरी सेवकाई के खिलाफ, मेरे खिलाफ, उस पर प्रभु की प्रलय की आग गिरे, प्रभु की आग गिरे, गिरा उस आग को यीशु मसीह के नाम में। फायर करता हूं, फायर, 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 फायर। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो शत्रु जो आसमान में घूम रहे, जो शत्रु आसमान के नीचे धरती पर है और इसी समय धरती के नीचे है, मैं इसी समय ऑनलाइन चर्च जो मुझे देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इस समय परमेश्वर जो मुझे देख रहे हैं, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, इस समय आसाम से देख रहे हैं, उत्तरांचल से देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, इस समय परमेश्वर पंजाब से, और पवित्र आत्मा हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू से, पठानकोट से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जहां से देख रहे हैं, इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वालों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर से हर एक शराब बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जे का शराब जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक वो आपके जो शत्रु आपके फ्यूचर के खिलाफ खड़ा है इसी समय टूटने पाए यीशु मसीह के नाम, टूटने पाए। आग लगाता हूं यीशु मसीह के नाम, आग लगाता हूं यीशु मसीह के नाम, आग लगाता हूं जो आपके फ्यूचर को पकड़े हुए, जो आपके बच्चों की पढ़ाई को पकड़े हुए, उसे मैं आग लगाता हूं, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, फायर, फायर, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये इसी समय फायर प्रेयर आज आपको ब्लेसिंग को देगी यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों को नींद नहीं आती, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा डिप्रेशन में डालने वाली वो गंदी आत्माएं जल जाए यीशु मसीह के नाम में, जल जाए। इसी समय नींद चुराने वाली गंदी आत्माएं जल जाए यीशु मसीह के नाम में, भाग यीशु मसीह के नाम में, आज से आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। और बोलो मेरे साथ ग्यारहवां पॉइंट, के हर एक शैतानी मैसेज जो भी मेरे डीएनए में हो मुझे नष्ट करने के लिए, वो खत्म हो करे यीशु के खून के द्वारा। करे कि इसी समय करे कि जो हर शैतानी मैसेज करे कि मेरे डीएनए में हो, करे कि मैं उसको खत्म करता हूं यीशु के लहू के द्वारा। बोलो मैं उसे खत्म करता हूं यीशु के लहू के द्वारा। बोलो मैं खत्म करता हूं यीशु के लहू के द्वारा। आज की ये प्रेयर आपके लिए मैं कह रहा हूं कि 21 दिन के अंदर आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएगी। बोलो मैं खत्म करता हूं, बोलो मैं खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, मैं उस शैतानी मैसेज को, जो सच में शैतान ने मैसेज पास किया किसी के जीवन में, और आज पास दाएं बाएं लेफ्ट राइट आपके कोई काम कर रही हो शैतानी ताकतें, उनको मैं जला देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आपके फ्यूचर के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, आपके बच्चे को आईएएस अफसर से बनने से रोक रही है, हो सकता है आज आप आईएएस अफसर बनना चाहते हो, लेकिन आज की मेरी प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना आपके जीवन में बंधनों को तोड़ेगी। इसी समय आईएएस अफसर, जो इस समय डॉक्टर, इंजीनियर, और इस समय मैकेनिक इंजीनियर, जो भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं और शैतान तो उनके फ्यूचर को अगर बिगाड़ रहा है, उपवास की प्रार्थना मेरी इसी समय तेरे
उस षड्यंत्र को फेल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा तू छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आपको बोलना है मेरे साथ के 12वां पॉइंट के, हैं प्रभु आप अपने ताकतवर हाथों को मेरी ओर बढ़ाओ कि ताकि वो साइंस और चमत्कार सिंस करे के वो चमत्कार और साइन में देखने पाऊं। बोलो बोलो कि हैं प्रभु आप अपने करे ताकतवर हाथों को मेरी ओर बढ़ाओ। बोलो कि परमेश्वर आप अपने हाथों को मेरी, अपने ताकतवर हाथों को मेरी ओर बढ़ाओ। आज परमेश्वर के हाथ आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आप अपनी ताकत को करे अपनी जुबान की ताकत को बाहर निकालो। परमेश्वर के ताकत वाले हाथ आपके पास आ रहे हैं। आप बोलो परमेश्वर कि तेरा ताकत वाला हाथ आएगा और मैं कमाने लगूंगा। तेरा ताकत वाला हाथ आएगा और परमेश्वर मेरे एक दिन फिर से अच्छे आएंगे। मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मेरे काम खुलेंगे, मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां फिर से जवान होंगी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ताकत वाला हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ताकत वाला हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उस ताकत वाले हाथ को आपके ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। ताकत वाले हाथ को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय वो ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बड़ो बड़ो और इसी समय फिर लिखा कर अगले कह रहे हैं कि 13वें पॉइंट में आप पढ़ेंगे, कह रहे हैं यीशु का ब्लड कह रहे गरीबी के हर दरवाजे को बंद करे। हालेलुया। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बात के लिए कि मेरे घर में कर्जा है, गरीबी है, आर्थिक तंगी है। मैं कह रहा हूं कि 21 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि इस उपवास के बाद कह रहे अपनी गरीबी को भागता हुआ देखोगे। आज शैतान के षड्यंत्र को फेल होता देखोगे। आपको बोलना है, मुंह से अंगीकार करना है मेरे साथ, बोलो कि यीशु के ब्लड से गरीबी के, आर्थिक तंगी के, कर्जे के हर दरवाजे को बंद कर दो यीशु मसीह के नाम में। बंद करते हैं यीशु के नाम में। बोलो यीशु के लहू से बंद करते हैं, यीशु के लहू से, यीशु के पवित्र खून से इसी समय बंद करते हैं। बोलो अपने लिए बोलो कि इसी समय मैं बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय अपने दरवाजों को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं अपने दरवाजों को खोलता हूं, आशीष के दरवाजों को यीशु के लहू से खोल देता हूं। मैं अपनी जॉब के दरवाजे को खोलता हूं यीशु के लहू से। मैं अपने बिजनेस के दरवाजे को खोलता हूं यीशु के लहू से। बोलो यीशु के लहू से चंगाई के दरवाजे को खोलता हूं यीशु के लहू से। करे अपनी मिनिस्ट्री के लिए ब्लेसिंग के दरवाजे को खोलता हूं, बढ़ोतरी के दरवाजे को खोलता हूं यीशु के नाम में। जो मैंने नहीं लिया आज तक, जो मैंने नहीं प्राप्त किया, बोलो कि वो खुलेगा दरवाजा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं 21 दिन में ओपन होगा डोर यीशु मसीह के नाम में। किसी के लिए 40 डेज में ओपन होगा डोर यीशु मसीह के नाम। आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। 14 पॉइंट में बोलो मेरे जीवन में, कह मेरे जीवन में पावर और अनॉइंटिंग आए धन की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि धन बहुत सारे लोग कह रहे बिजनेस करते हैं लेकिन कमा नहीं पाते। याद रखना कह रहा कि ये अनॉइंटिंग आपको मांगनी पड़ेगी। और इसी समय बोलो उपवास के अंदर आप कहो कि इस समय मुंह से अंगीकार करो, बोलो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। बोलो मेरे जीवन में पावर और अनॉइंटिंग आए धन कमाने की यीशु मसीह के नाम में। बोलो वो पावर अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। मैं उस पावर और अनॉइंटिंग को स्वर्ग से रिलीज करता हूं इन लोगों के, ये धन कमाने पाए के नाम में। जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, दोहा कतर से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, इस समय और पवित्र आत्मा फिजी से, यूएसए से, और इस समय पवित्र आत्मा जी जहां से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से देख रहे हैं, वो धन कमाने की सामर्थ्य उतरे इनके ऊपर यीशु के नाम में। धन कमाने की पावर आए, वो अनॉइंटिंग आए, वो पावर आए, पावर आए, आ रा 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 पावर। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप उस पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये उपवास प्रार्थनाएं आज आपकी जिंदगियों में मैं देख रहा हूं, किसी के पंख आ रहे हैं, किसी के मिराकल मनी हो रही है। मैं कह रहा हूं आप अपने कमरे में देखोगे वो पंख गिरे हैं। अभी देखोगे, बाहर जाओगे आपको कॉइन मिलेंगे, आपके बेड पर, आपके सारी जगह आप जहां देखोगे वहां पर कॉइन ही कॉइन मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जेब में करके अलग तरह के नोट मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। साइन होगा, वो साइन होगा। बोलो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि वो साइन और चमत्कार करके मैं देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं मैं अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में, मैं अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, मैं अपने बिजनेस में इसी समय। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो कि मैं साइन देखूंगा, मैं साइन देखूंगा, साइन देखूंगा, मिराकल देखूंगा, चमत्कार देखूंगा यीशु मसीह के नाम। आज से बिजनेस में, ऑनलाइन चर्च के बिजनेस में और चमत्कार होने पाए, इनकी सेवकाई में चमत्कार होने पाए, इनके ऊपर चमत्कार होने पाए, इनके बच्चों की पढ़ाई में चमत्कार हो, साइन देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप साइन को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है और ये साइन आज आपको दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे पवित्र आत्मा काम करेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं आत्मा में, जिनका नाम करके बी से, एन से, एस से, आर से, डी से और वाई से, मैं कह रहा हूं जी से, जे से, आप साइन देखोगे, चमत्कार देखोगे अब से यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुलने लगेंगे अब से। और इसी समय 16 में, इसी समय 15 में हम पढ़ते, कह रहा जीवित प्रभु के एंजल ढूंढे जिंदा लोगों की धरती और मरे हुओं को, और मेरा जो भी धन खोया हुआ है
उसे वापिस लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि वापिस लेकर आए। हो सकता है करा कि आज आपका पैसा मर गया हो सकता है करा कि आज आपकी आशीषें खो गई हो, लेकिन याद रखना कि उसने कहा करा कि आपको पतरस के लोगों ने कहा करा कि एक औरत के बारे में कि दोरकास लेडीज जब मर गई तो उसी समय बहुत सारे लोग उसके पास आए और आकर कहने लगे पतरस तेरी मिनिस्ट्री में ये औरत करे बहुत बीज देती थी, बहुत दान देती थी, लेकिन ये मर गई है और इसलिए आपको क्या करना है करे कि प्लीज़ इसके लिए प्रार्थना करना है। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपका सब कुछ मर गया है, हो सकता है कोई बिजनेस आपका बंद हो गया है, हो सकता है करा कि कोई करे कि आप पैसा सारा आपका अपने रेस्टोरेंट खोला अपनी चीज़ें स्टार्ट की हैं लेकिन वो सब कुछ करे खराब हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे इसका मतलब कुछ शैतानी ताकतें होती हैं, लेकिन उपवास के दिनों में जब हम ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि खोलता है रास्ते खोलता है। आज शैतान हैरान होगा आज इसको क्या हो गया प्रॉफिट बजिंदर को आज ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बंधन टूटेंगे और आपके रास्ते खुलेंगे और आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज चमत्कार होंगे, मैं कह रहा हूं साइन और वंडर आज से आप देखने लगोगे, आज से आप चमत्कार पर चमत्कार देखने लोगोगे। दोनों के जीवित प्रभु के एंजल कह रहे जिंदा एंजल, मरे हुए एंजल नहीं कह रहा हूं मैं, मरे हुए एंजल नहीं भेज रहा हूं, आज मैं उन लोगों के पास वो एंजल भेज रहा हूं कह रहा कि जो मुंह से अंगीकार कर रहे हैं उनके वो उनको जिंदा एंजल दिखाई देंगे। अगर आपको जिंदा एंजल नहीं दिखाई दे रहे मैं कह रहा हूं कि वो जिंदा एंजल आपको दिखाई देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय वो जिंदा एंजल इसी समय ढूंढे इनकी आशीष को, जिंदा लोगों की धरती के बीच में ढूंढे यीशु मसीह के नाम, जाओ यीशु मसीह के नाम में और मरे हुओं को और इनका मरा हुआ पैसा, मरी हुई नौकरी, मरी हुई गाड़ी, मतलब जो पवित्र आत्मा ये मांग रहे हैं जो इनकी आशीषें खो गई हैं इसी समय फिर से जाओ, इसी समय वापिस लेकर आओ यीशु मसीह के नाम में। प्रेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो डेड काम आज आपके जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप सोच रहे हैं और आपने छोड़ दिया था वो काम, वो फिर से वो डेड काम जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि जिनके नाम जी से, आर से, एम से और एन से, ई से, आई से, एल से और वाई से और वी से हैं और जेड से हैं, याद रखना कि आपका कोई काम जो मरा हुआ था डेड हो गया था। हो सकता है कोई आपने प्रोजेक्ट में पैसा डाला हो, आपने लोन किया हो लेकिन डेड हो गया, हो सकता है करा आपका कोई इस समय काम कोई अड़ा हो लेकिन वो डेड हो गया हो, लेकिन आज फिर से वो खुल रहे यीशु मसीह के नाम, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। एक उसी समय एक 16 को पढ़ेंगे हम, लिखा करे कि हे प्रभु मेरी आंखों को अनॉइंट करो, करे अनॉइंट करो, आपको बोलना है इस समय करे कि परमेश्वर मेरी आंखों को अनॉइंट करो ताकि मेरी आंखें इस दुनिया की छिपी हुई संपदा को देख सकें। करो आप किसी समय कहो कि परमेश्वर मेरी आंखों को ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम, अपने आंखों पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर मेरी आंखों को हाथ इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरी आंखों को अनॉइंट कर दे, मैं अनॉइंट करता हूं परमेश्वर, अनॉइंटिंग करता हूं, अनॉइंट करता हूं, मस्से को छोड़ता हूं इनकी आंखों पर, इनकी आंखों पर मस्से को छोड़ता हूं। जो लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया परमेश्वर मैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी उस मस्से को छोड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मस्से को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, मस्से को छोड़ता हूं और इसी समय आपकी आंखें दुनिया की हर एक छिपी हुई आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम, अपनी आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम, अपनी आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम, अपनी आशीषों को देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि ये अपनी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। अब अलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, और इसी समय कोई मुझे असजद राजा देख रहा है तू अपनी आशीषों को देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे जीवन में चमत्कार करेगा से और राचार रबा सना यो रे रे, इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। सुभाष मैं कह रहा हूं कि हर खून वो आपके लिए यीशु मसीह का बहाया गया और आप आजाद होते देखेंगे अपने आप को। मैं देख रहा हूं कोई आपके घर में कोई शैतानी ताकतें कोई डिप्रेशन को लेकर आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसी समय आप आजाद होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए खास मैसेज है ये, कह रहा जिन लोगों ने कह रहा उपवास प्रार्थनाएं की हैं और उन लोगों के लिए मैं आज दुआ कर रहा हूं और परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। और इसी समय अपने घर में अभी अनॉइंटिंग सॉल्ट और वाटर ले लो, आप सॉल्ट सॉल्ट और वाटर ले लो और सारा पॉइंट फिर से आप मेरे साथ बोलो, मुंह से अंगीकार करो पवित्र आत्मा मेरे कदमों को दिव्य खुशहाली की ओर लेकर जाए। फिर से घोषणा करो आज के परमेश्वर के पवित्र आत्मा, आज उपवास प्रार्थनाओं में मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन चर्च पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा इन उपवास के दिनों में खुशहाली वाली आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं इनके लिए यीशु मसीह के नाम में, इनके कदम खुशहाली की ओर जाने पाए, इनकी गवाहियां आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी गवाहियां इनकी टेस्ट मनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी टेस्ट मनी बनने पाए परमेश्वर, इसी समय इनका छुटकारा करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए देख रहा हूँ कि इस समय जो लोग कोई तकलीफ में कोई समस्या में, आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे क्योंकि ये उपवास की प्रार्थनाएं जिनमें आपने ये क्लेम्स की आज मेरे साथ,
कि यीशु के लहू से मैं अपने दरवाजे को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और शैतानी ताकतों के दरवाजे को बंद कर देता हूँ जो मुझे गरीबी में, कर्जे में, समस्या में, बीमारियों में लेकर जाती है, आज उसको बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में छुटकारे को देगा, आशीष को देगा, और आप एक बड़ी आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज से चमत्कार करना स्टार्ट कर रहा है। जिन लोगों ने आज इस प्रार्थना को सुना है उनकी आशीषें खुल गई हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं हर रोज करें 9 से 10 इस प्रार्थना को करूंगा, और आपकी गवाहियां आ रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपकी गवाहियां आ रही हैं, और अपनी गवाही टेस्टमनी के इसी समय टेस्टमनी भेजेंगे, और आप उसके बाद एक टेस्टमनी देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। पर मेरा परमेश्वर इसी समय चमत्कार कर रहा है आपके जीवन में, और इसी समय हम अनॉइंटिंग वाटर और इसी समय सॉल्ट हम अपने हाथों में पकड़ेंगे और पियेंगे इसको। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने घर में जो उपवास के दिनों में जो मेरे साथ अनॉइंटिंग वाटर और नमक मैंने इसमें डाला हुआ है, और इसी समय जब आप इसको पी रहे हैं, और परमेश्वर आज आपके छुटकारे करेगा। और कल मैं प्रभु बोझ आपके साथ लूँगा, और इस मीटिंग में, और संडे को भी हम मीटिंग कर रहे हैं प्रभु बोझ की, और स्पेशल ले हैंड प्रे करेंगे उन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ, अबलबा शबल अबाबलबा शबल अबाबलबा शबल अबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन है परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे होने पाएं परमेश्वर, ये एक बड़े मिराइकल को देखने पाएं परमेश्वर, और पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ जसविंदर, तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, जो आमीन बोल रहे हैं उनके घर आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार कर, अबलबा शबल अबाबलबा शबल अबाबलबा शबल अबा। और इसी समय कोई मुझे देखती है रूमी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर रूमी तेरे कामों को खोल रहे, तेरी बॉडी में से हर एक इन्फेक्शन को खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आउट, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में रूमी के ऊपर से। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। मैं देख रहा हूँ राजेश, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज हो रहा है तू अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तेरे कामों को खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। देख रहा हूँ सुजाता, मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय शादी का कोई प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, और ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई यूपी से मुझे देख रहा है, और उसका बच्चा कोई गुम हो गया, मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ इस समय कोई मुझे बिहार से देख रहा है, और बहन को बच्चेदानी में कोई रसोलियाँ, और इसी समय वो रसोलियाँ बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बिहार से, और इसी समय मुझे देख रहा है, और उसके परिवार के लोगों ने कुछ हिस्सा उसका मार लिया है, लेकिन आपको ये प्रार्थना आपके हिस्से को वापिस दिलाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिसके जमीन पर कोई कब्जा किया हुआ है, और जिसके कोई पैसे रुके हुए हैं, इसी समय वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप अपने पैसे को वापिस देखोगे बैंक अकाउंट्स में, मैं कह रहा हूं कि 3 दिन में मिराइकल मनी देखोगे यीशु मसीह के नाम में, 21 दिन में मिराइकल मनी देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी इसी समय गवर्नमेंट जॉब की आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबल अबलबा शबल, मैं देखता हूं कैसे देख रहा हूं, कोई ज्योति पंजाब से मुझे देख रही है, और इसी समय कोई इन्फेक्शन आपके पेट में, और इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई अंजलि इस समय कोई इन्फेक्शन है ब्रेस्ट में, इसी समय बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, बाहर जा रहा है, रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी जो अनॉइंटिंग वाटर और इस समय परमेश्वर ऑयल ले रहे हैं और पी रहे हैं मेरे साथ और लगा रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में चमत्कार हो मेरे पिता परमेश्वर। तूने उपवास के दिनों में मेरे पिता परमेश्वर छुआ, आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जो इस समय परमेश्वर दुबई से, महाराष्ट्र से, और इस समय पवित्र आत्मा जी इंडिया से, पाकिस्तान से, इस समय नेपाल से, और इसी समय पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और इसी समय कनाडा से, जर्मनी से, फिजी से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, चाइना से, हांगकांग से, यूक्रेन से, जो इस समय अमेरिका से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल मनी होने पाए यीशु के नाम में, छुटकारे होने पाए, शैतान शर्मिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से पावर मिलने पाए, इनको उपवास करने की पावर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई यूके से देख रहा है मुझे, और आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन परमेश्वर अभी इसी समय गुड न्यूज दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। ये उपवास प्रार्थनाओं में तुझे गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इस समय कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, और इसी समय कह रहे कि आपकी सैलरी रुकी हुई है, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितेंद्र तेरी सैलरी वापस आ रही है यीशु मसीह के नाम में, तेरे सारे काम बन रहे हैं, तू आशीष को देख रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु तू छू ले। मैं देखता हूँ किसी के बालों में प्रॉब्लम्स है, और कोई बाल उड़ते हैं, गंजपन आ रहा है, कोई लड़की परेशान है और या एलर्जी है उसके बालों में, इसी समय वो एलर्जी के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो एलर्जी के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे अभी 2 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन उससे पहले आप इसी समय इसको पिए और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने जो अनॉइंटिंग वाटर अब पिया है, इसी समय आपके लिए गुड न्यूज आएगी,
और उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के अंदर बीज बोते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। स्क्रीन पर हम जल्दी से देखेंगे एक वचन, सपोदेशक की किताब देखो 11:1 में क्या लिखा है। यहाँ पर सपोदेशक की किताब में उपवास के दिनों में जब आप कह रहे हैं कि आप मिराइकल चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो कह रहे हैं कि बीज बोना है आपको। कह रहे हैं जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में मिराइकल करता है। यहाँ पर लिखा क्लियर, कह रहे कि हाँ इसके 11:1 को पढ़ते, लिखा अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाने पाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराने नियम के अंदर कह रहे इसराइलियों की कह रहे कि जो धरती थी वहाँ पर उस समय में उस गांव में बाढ़ आ जाती थी, और जब वो बाढ़ आ जाती थी तो उसी समय उनको बताया गया, कह रहे कि उनको एक भविष्यवक्ता ने सलाह दिया और उनको कहा, कह रहे कि ये रोटियां जो तुमने बनाई हैं, कह रहे कि ये कह रहे कि वहाँ पर उस जल के ऊपर डाल दे। लेकिन वो रोटियां उन्होंने खाने के लिए बनाई थी, लेकिन वो जब बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने रोटियों को डाल दिया और उसके बाद वहाँ पर कह रहे कि वो बाढ़ उस एरिए में आने से बच गई। इसका मतलब आपको समझना है, कह रहे कि जब आप फास्टिंग प्रेयर के अंदर अपनी रोटी, हो सकता है आप अपने इस बीज को, आप जो कमा रहे हैं, आपने जो बीज और दान डाल रहे हैं, इससे मैं मान सकता हूँ कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, लेकिन आने वाली विपत्ति को नहीं रोक सकते, आने वाली समस्याओं को नहीं रोक सकते, इसलिए कर आने वाली बाढ़ को नहीं रोक सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तू कह रहा कि अपने रोटी को जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाने पाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि रोटी दोबारा आ जाएगी। याद रखना, कह रहा जो आपने बीज बोया वो दोबारा बाहर आएगा, कह रहा आपको मिलेगा, लेकिन आने वाले समय से बचा नहीं सकता कोई, लेकिन आपका बीज, आपकी रोटियां, कह रहे कि जो आप जल के ऊपर डाल रहे हैं, विश्वास से डाल रहे हैं, कह रहे कि जब आप बीज में डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप इस मिनिस्ट्री के अकाउंट में जो आप डालते हैं, आप देखो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, कह रहे कि जब आप डालते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यहां बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे कि सांझ को भी दे, 11:6 में लिखा कि सांझ को भी, और फिर लिखा कह रहे कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या कह रहा कि ये कि वो, कह रहा दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया, कह रहा कई बार हम सुबह की प्रार्थना करते हैं, कई बार हम शाम को करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि दोनों ही प्रार्थना आपके लिए प्रभावशाली होंगी। कह रहा कि आपने अगर सुबह बोया, शाम को ही बोया, कह रहा कि आपने कहा यार मैंने बो दिया इतना और अब मुझे पता नहीं आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को कह रहा विश्वास से बोया जाता है, विश्वास से। परमेश्वर ने बताया, कह रहा कि इसराइलियों, कह रहा विश्वास से बो दो, कह रहा कि जब आप बोएंगे तो आप इस उपवास के अंदर, कह रहे मैं ये मेरे ऊपर अनॉइंटिंग कैसे आई मैं बताता हूँ कि मैं दो काम करता था। मैं उस समय में कह रहा गरीबों को या लाचारों को, बेसहारों को खुद अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए जाता था। मैं कह रहा हूँ आप हमारी मिनिस्ट्री में देखते हैं, स्क्रीन पर दिखा, और उसी समय लंगर किया जाता है और जगह जगह हमारे लोग, हमारी टीम के लोग जाते हैं और वहाँ पर लंगर बांटते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। और कह रहा है कि उस समय में परमेश्वर ने मेरे को देखा उस समय में, और पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की और मुझे कहा कि बेटे मैं तुझे आशीष दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में, और ये पवित्र आत्मा है आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करेगा और आशीष को देगा, और ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और दूसरा मैंने काम किया कि मैंने अपनी लाइफ में बीज बोया, जब मैं बीज बोता था परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करता था, और जिन लोगों ने कह रहे कि आज बीज बोया है परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में चमत्कार कर रहा है। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, या फोटो दिखा रहा हूँ कि आप देखो कि ये बहुत लंबी दीवार है, ये चर्च की बहुत लंबी दीवार है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हम बो रहे हैं, अलग अलग जगह पर बो रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमने अलग अलग जगह पर चर्च बनाई है, अलग अलग जगह पर काम किए हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा और आपको छुटकारे देगा, आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा। हम सब मिलकर पास्टर, जिन बीमार लोगों की आपने फ़ोटो भेजी है, हम उनके लिए वहाँ पर दुआ करेंगे उस साइड में, और इसी समय सब उस साइड में दुआ करेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और इस समय मेरा परमेश्वर आपको छुएगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर दुआ कर रहा हूँ जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया और जो बोना चाहते हैं, यह भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, 3 दिन लगातार बोकर देखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, 3 दिन लगातार बोकर देखना, पवित्र आत्मा चमत्कार पर चमत्कार करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, जो लोग उपवास के दिनों में बो रहे हैं, परमेश्वर तूने कहा अपनी रोटी जल पर डाल दे और तू बहुत दिन तक के बाद उसे फिर से देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आज विश्वास से पवित्र आत्मा जी आज बोया है परमेश्वर मिस्त्री के अकाउंट में, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जो लोग